आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि महिला हिस्टीरिया जो शुरू होता है वो जो सफ़र है वो सफ़र ख़त्म होता है मानसिक विकार तक। क्या है वो? देखिए, हिस्टीरिया जो है एक्चुअली में एक मानसिक विकार है जो अत्यधिक चिंता से पैदा होता है। इसमें रोगी का अपने कार्यों और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता है। हिस्टीरिया एक प्राचीन विकार है। प्राचीन यूनानियों ने विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं के लिए शब्द जो इस्तेमाल किया है उसका है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया ग्रीक शब्द हाइस्टेरा से निकला है जिसका अर्थ है गर्भाशय, यूटेरस। अभी उसमें महिला हिस्टीरिया के बारे में आपको बता देते हैं। शुरुआत में इसके इलाज के लिए अजीब उपायों का इस्तेमाल किया जाता था और ऐसा माना जाता था कि केवल महिलाओं तक सीमित है। पहले इसका इलाज जड़ी बूटी, यौन और यौन संयम द्वारा यातनाएं देकर किया जाता था। कभी कभी तो इसे जादू टोने से संबंधित मानकर आग से उन्हें शुद्ध किया जाता था। आधुनिक काल तक आते आते इसके उपचार करने के तरीके में बहुत बदलाव आ गया और यह पता चल गया कि यह केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। आगे चलकर इसे बीमारी मान लिया गया और नई चिकित्सा के साथ इसका इलाज किया गया। ऐतिहासिक रूप से हिस्टीरिया को महिलाओं से संबंधित बताया गया था और इसके साथ कई और लक्षणों को शामिल किया गया था। इन लक्षणों में जो शामिल तो लक्षण आपको बताते हैं, चिंता, श्वास की कमी, बेहोशी, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, घबराहट, साथ ही साथ यौन व्यवहार। ये लक्षण अन्य अधिक परिभाषित लोगों के लक्षणों से मिलते थे और एक वास्तविक बीमारी के रूप में हिस्टीरिया की वैधता के खिलाफ बहस के लिए एक मामला बनाते थे। हिपोक्रेट्स जो 5वीं सदी ईसा पूर्व के अनुसार गर्भाशय एक स्वतंत्र घूमता हुआ अंग था और इसके महिला के शरीर में घूमने से हिस्टीरिया होता है ऐसा माना जाता था। इसके बाद यह धारणा कि हिस्टीरिया केवल महिलाओं तक सीमित है चलती रही, जब तक कि चारकोट ने इस धारणा में बदलाव नहीं किया। ईसाई धर्म की पहली 10 शताब्दियों के दौरान गैलेनिक अवधारणाओं के आधिकारिक प्रभाव के तहत चिकित्सीय विचार रुक गए। हिस्टीरिया के अधिकांश मामलों को विभिन्न शारीरिक बीमारियों के लिए गलत माना गया। मध्ययुग के दौरान बीमारियों के प्रति सोच में बदलाव आया। हिस्टीरिया के कई मामलों की जादू टोने की अभिव्यक्तियों के रूप में व्याख्या की गई थी। पुनर्जागरण के दौरान अनुभववाद और विज्ञान के फलने फूलने के साथ हिस्टीरिया को फिर से एक बीमारी के रूप में पुनः ढूंढा गया। यह दिलचस्प है कि 18वीं शताब्दी में इसके मुख्य कारणों के लिए भावनाओं, जुनूनों और मानवीय सुझावों को जिम्मेदार ठहराया गया था और 19वीं सदी की शुरुआत में चारकोट, जेनेट और फ्रायड ने न्यूरोलॉजिकल बीमारी और हिस्टीरिया के बीच अंतर को स्पष्ट किया। उन्हें बताया कि हिस्टीरिया एक ऐसी शारीरिक बीमारी जैसी स्थिति है जो स्वस्थ शरीर वाले व्यक्तियों में होती है। उन्होंने बताया कि हिस्टीरिया शारीरिक बीमारी की तरह ही है जो कि उन लोगों में होता है जिनका शरीर स्वस्थ होता है। हिस्टीरिया के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर यह एक छोटा सा कदम था जिसने इसे बीमारी से संबंधित बताया। हालांकि इस विचार में शारीरिक कारण शामिल नहीं था, हिस्टीरिया के कम्युनिकेशनल दृष्टिकोण ने इसे संचार के रूप में संबंधित बताया और इसे बीमारी की भाषा माना। पर एक्चुअली में हिस्टीरिया एक मानसिक विकार है, मेंटल डिसऑर्डर। हिस्टीरिया का उपचार अक्सर महिलाओं के यौन अंग या यौन आदतों पर केंद्रित होते हैं। हिस्टीरिया को मानसिक बीमारी के रूप में इलाज करने की शुरुआत फ्रांसीसी चिकित्सक जेन मार्टिन चारकोट ने की। उन्होंने इस बीमारी के इलाज के लिए हिप्नोसिस या हिप्नोटिज्म और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये बताया कि हिस्टीरिया जैसी बीमारी का संबंध रोगी के मन से है, रोगी के लिंग से इसका कोई संबंध नहीं है। फिर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे सिगमंड फ्रायड। उन्होंने हिस्टीरिया के संबंध में अपने सिद्धांत विकसित किए। हालांकि सिगमंड फ्रायड ने इसे अभी भी यौन रूप के रूप में ही माना था। हिस्टीरिया से संबंधित अपने मरीजों का इलाज करने से उन्हें अपना सिद्धांत विकसित करने में मदद मिली। उन्होंने बताया कि हिस्टीरिया के लक्षणों के कारण
बचपन का आघात है। विशेष रूप से फ्रायड ने बचपन के यौन शोषण या इसी तरह के आघात को इसका दोषी ठहराया। आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों ने इस क्षेत्र में फ्रायड के कार्यों पर विचार किया, क्योंकि वह अपने व्यापक निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए लगभग पर्याप्त रोगियों की जांच नहीं करते थे। कुछ मामलों में उनके रोगियों के लक्षण मिर्गी या अन्य न्यूरोलॉजिकल विकारों से जुड़े हुए थे, क्योंकि हिस्टीरिया अभी भी सही तरीके से परिभाषित नहीं था। हिस्टीरिया की वैज्ञानिक समझ प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। 19वीं शताब्दी के दौरान हिस्टीरिया का वर्णन एक मरीज के विभिन्न प्रकार के शारीरिक लक्षणों के रूप में किया गया। 20वीं शताब्दी के कई अध्ययन हिस्टीरिया के लक्षणों की एक विशेष प्रस्तुति पर आधारित होते थे। मनोचिकित्सकों ने यह ध्यान दिया कि शरीर का कोई भी कार्य हिस्टीरिया से प्रभावित हो सकता है। हिस्टीरिया के संभावित लक्षणों के ऊपर 75 पृष्ठों की सूची तैयार की गई थी और अभी भी यह सूची अपूर्ण है। इस दौरान हिस्टीरिया को शारीरिक रोग कम और मानसिक रोग ज्यादा बताया गया। आधुनिक काल तक आते आते न सिर्फ हिस्टीरिया विकार से संबंधित धारणाओं में बदलाव आ गया, बल्कि इलाज करने के तरीके भी बदल गए। अब यह माना जाता है कि एक मानसिक बीमारी है। आधुनिक चिकित्सकों ने इसे कन्वर्सेशन डिसऑर्डर भी कहा है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे पर अगले वीडियो में बताएंगे। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।